गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम म्यूटेशन चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। यह सेमेस्टर 4 साइटोजेनेटिक्स में भी है और सेमेस्टर 1 एमएससी जूलॉजी में भी है, न्यू सिलेबस में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने म्यूटेशन के ओवरव्यू को देखा था, म्यूटेशन का डिफिनेशन क्या है, म्यूटेशन किसको बोलते हैं, ये सब हमने थोड़ी सी चर्चा की थी और वो एक एक्सपेरिमेंट द्वारा हमने समझाने की कोशिश की थी, रेप्लिका प्लेटिंग, कि किस तरह से बैक्टीरियल कॉलोनीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि रेसिस्टेंट कौन है, सेंसिटिव कौन है। आज हम थोड़ा सा आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि म्यूटेशन के विभिन्न प्रकार क्या है, उनके इफेक्ट्स क्या हैं। सो आई विल स्टार्ट हियर। So you must be knowing, you might be knowing that mutation most normally cause some detectable phenotypic change for their presence to be recognized. अगर phenotypic change नहीं होगा तो आप देख नहीं पाएंगे कि mutation हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको फिर genotype level पर देखना पड़ेगा change हुआ है कि नहीं। कितनी बार ऐसा भी होता है कि जीनोटाइप में चेंज हो गया, जीन में चेंज हो गया, बट वो फिनोटाइप में अपीयर नहीं हुआ। ठीक है, अगर प्रोटीन ट्रांसलेशन आप पढ़े होंगे तो जैसा कि मैंने सेमेस्टर 3 में जब आप थे तो मैंने प्रोटीन ट्रांसलेशन कवर किया था, उसमें मैंने वोबल हाइपोथेसिस के बारे में बताया था कि कैसे एंटीकोडोन में अगर एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज हो भी जाता है तो देयर आर सेवरल एंटीकोडोन्स कोडिंग फॉर ए सिंगल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। तो वो उस टाइप का म्यूटेशन वोबल हाइपोथेसिस की को अगर आप समझे होंगे तो के द्वारा हमारे प्रोटीन प्रोडक्ट में चेंज नहीं आता है तो आपको फिनोटिपिक इफेक्ट भी नहीं दिखेगा। दूसरा ये है कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है एंड डोमिनेंट वन इज द वाइल्ड वन, वाइल्ड एलील, एंड द म्यूटेंट इज द रिसेसिव एलील, तो उस केस में भी आपको फिनोटिपिक इफेक्ट दिखेगा नहीं। तो आपको जीनोटाइप लेवल पर जाकर के यानी जीन का सीक्वेंसिंग करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे आसान तरीका क्या है जो कि आराम से दिखता है कि फिनोटिपिक लेवल पर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसकी हम बात करेंगे आगे करते हुए। तो द इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन ऑन फिनोटाइप रेंजेस फ्रॉम alterations to so minor that they can be detected only by special genetic or biochemical techniques to gross modifications of morphology to lethals. A gene is a specific sequence of nucleotide pairs coding for a particular polypeptide. Any mutation occurring within a given gene will thus produce a new form of new allele of that gene. Because of the degeneracy of the genetic code, जैसा कि मैंने बताया अभी, some base pair changes do not change the protein products encoded by the genes in any way. Genes containing mutations with small effects that can be recognized only by special technique are called as isoalleles. Other mutations result in the total loss of gene product activity. If mutations of the latter type occur in essential genes, yani gene required for the viability, they will of course be lethal. कहने का मतलब यह हुआ कि अगर फंक्शन म्यूटेशन की वजह से भी, म्यूटेशन होने के बाद भी अगर फंक्शन वह जीन प्रोडक्ट जो है कर रहा है, ठीक है, भले थोड़ा सा घट जाए उसका फंक्शन करने का एफिशिएंसी या बढ़ जाए, उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, आइसो एलील्स। अगर जीन एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलता है तो हम उसको एलील्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आइसो एलील्स क्या हुआ कि वह जीन जो है एक से ज़्यादा फॉर्म में मिल रहा है और उसका फंक्शन रिटेंड है, मोर और लेस सेम है, तो हम उसको आइसो एलील्स बोलते हैं। आगे उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको बताएंगे कि क्या अदर फॉर्म, जैसे आप ब्लड ग्रुप जीनोटाइप ही देख लीजिए, ए का एलील है, बी का एलील है, ठीक है, तो दे आर आइसो एलील्स। और अगर उस म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन का फंक्शन इज टोटली लॉस्ट,
ठीक है, एंड दैट प्रोटीन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द वायबिलिटी ऑफ द सेल, देन इन दैट केस दैट म्यूटेशन विल बी हैविंग द लीथल इफेक्ट ऑन दैट सेल. सो दीज आर लीथल म्यूटेशंस. आगे बढ़ते हुए, म्यूटेशंस मे बी इधर रिसेसिव और डोमिनेंट इन हैप्लॉयड और मोर एक्यूरेटली मोनोप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस एंड बैक्टीरिया. बोथ रिसेसिव एंड डोमिनेंट म्यूटेशंस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर इफेक्ट्स ऑन द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन विच दे ओरिजिनेटेड. द डोमिनेंस और रिसेसिवनेस ऑफ म्यूटेशंस इन बैक्टीरिया कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय स्टडिंग पार्शियल डिप्लॉयड्स इन डिप्लॉयड और पॉलीप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स. रिसेसिव म्यूटेशंस विल बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन प्रेजेंट इन द होमोजाइगस कंडीशन. मोस्ट रिसेसिव म्यूटेशंस इन डिप्लॉयड्स विल नॉट बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ देयर अकरेंस. ओके, कहने का मतलब है कि जब वो होमोजाइगस कंडीशन में म्यूटेंट्स होगा तभी आपको फिनोटाइप इफेक्ट दिखेगा इन द केस ऑफ रिसेसिव एलील्स. Most recessive mutations in diploids will not be recognized at the time of their occurrence. ठीक है, जब वो म्यूटेशन हुआ तो उस समय वो पता नहीं चलेगा क्योंकि रिसेसिव म्यूटेशन है. Since they will be present in the heterozygous state, sex-linked recessive mutations are an exception. Since they will be expressed in the hemizygous state in the heterogametic sex. यानी मेल्स इन ह्यूमंस एंड फ्रूट फ्लाइज एंड फीमेल्स इन बर्ड्स. तो एक्सेप्शन क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशंस. सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन की वजह से क्या है कि हमारा सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई है इन मेल्स एंड इन फीमेल एक्स एक्स है. तो फीमेल में तो एक एक्स हेट्रोक्रोमेटाइज हो जाता है. तो अगर वो जो हेट्रोक्रोमेटाइज नहीं हुआ है यानी यूक्रोमेटाइज है, एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम जो बचा है फॉर द फंक्शन, अगर उसमें रिसेसिव म्यूटेशन हुआ या मेल्स में एक्स क्रोमोसोम में रिसेसिव म्यूटेशन हुआ तो वह जो है दिखेगा उसका फिनोटिपिक इफेक्ट उस सिर्फ सेक्स में. अगर सोमेटिक क्रोमोसोम्स में रिसेसिव म्यूटेशन हुआ है तो वह फिनोटाइप में अपीयर नहीं होगा. ठीक है, अगर हेट्रोजाइगस है तो दोनों सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही यानी दोनों क्रोमोसोम पर रिसेसिव म्यूटेशन होंगे तभी वो फिनोटाइप में आपका अपीयर होगा. ठीक है, द मोस्ट यूजफुल म्यूटेशंस फॉर द जेनेटिक एनालिसिस ऑफ मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर कंडीशनल लीथल म्यूटेशंस. These are mutations that are lethal in one environment, the so-called restrictive condition, and दूसरा क्या है, viable in a second environment. तो ये environment dependent भी, अगर एक environment में वो mutation जो है lethal हो सकता है, दूसरे environment में वो lethal नहीं भी हो सकता है. ठीक है, सपोज कि अगर कोई बैक्टीरिया थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है वह एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने के लिए आप उसको रिप्लेस कर दीजिए कोल्ड एनवायरनमेंट में. ठीक है, तो उसके एंजाइम्स जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट उसके एंजाइम्स जो उस एक्सेसिव हीट के एनवायरनमेंट में कार्य करने के लिए बने हैं वह कोल्ड एनवायरनमेंट में कोल्ड टेम्परेचर की वजह से शॉक लगेगा उनको एंड दे विल स्टॉप फंक्शनिंग एंड इन दैट केस दे विल नॉट बी वायबल. So such mutations allow geneticists to identify and study mutations in essential genes that result in complete loss of gene product activity even in haploid organisms. Mutants carrying conditional lethals can be propagated under permissive conditions and information about the functions of the gene products can be deduced by studying the consequences of their absence under the restrictive condition. The use of conditional lethal mutations to dissect biological processes illustrated on conditional lethal mutations also provide valuable selected sieves for genetic fine structure and analysis. तो इससे हम
जेनेटिक स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस में हमको आगे और डिटेल में मदद मिलती है. सो द थ्री मेजर क्लासेज ऑफ म्यूटेंट्स विद कंडीशनल लीथल म्यूटेशंस आर ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट्स, नंबर वन. नंबर टू, टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स. नंबर थ्री, सब प्रेशर सेंसिटिव म्यूटेंट्स. तो आगे हम देखते हैं ये तीनों हैं क्या. ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट्स जो हैं आर एज म्यूटेंट्स दैट आर अनेबल टू सिंथेसाइज एन एसेंशियल मेटाबोलाइट, यानी अमाइनो एसिड, प्यूरीन, पायरिमिडिन्स, विटामिन्स एटसेट्रा. दैट इज सिंथेसाइज डी नोवो बाय वाइल्ड टाइप इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज. सच ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट्स विल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस व्हेन द मेटाबोलाइट इज सप्लाइड इन द मीडियम, यानी इन परमिशिव कंडीशन. दे विल नॉट ग्रो व्हेन द एसेंशियल मेटाबोलाइट इज एब्सेंट. अगर एसेंशियल मेटाबोलाइट का वह उसके सिंथेसिस के लिए अगर वो एंजाइम रिक्वायर्ड है और उसमें म्यूटेशंस हो गया उसके मेटाबॉलिज्म के लिए. एसेंशियल्स क्या है? एसेंशियल्स अमाइनो एसिड्स, प्यूरीन्स, पायरिमिडिन. प्यूरीन पायरिमिडिन से हमारा प्यूरीन जानते हैं आप डीएनए का नाइट्रोजिनस बेस है. पायरिमिडिन्स आर डीएनए का डीएनए आरएनए का नाइट्रोजिनस बेसिस है. तो ये सब वेरी एसेंशियल एलिमेंट्स है, इवन विटामिन्स का. तो अगर उसमें म्यूटेशन हो गया, इन एसेंशियल्स मेटाबोलाइट्स को बनाने वाले एंजाइम्स के जीन में म्यूटेशन हो गया, तो वह ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब एसेंशियल मेटाबोलाइट्स है. अनलेस एंड अंटिल यू प्रोवाइड दोज मेटाबोलाइट्स इन देयर मीडियम, यानी भोजन के द्वारा आप ऊपर से उसको नहीं देंगे तो वह ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो सो द टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स के बारे में बोल रहे हैं. टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स जो है वो क्या है? दूसरा टाइप का म्यूटेंट है. तो टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स विल ग्रो एट वन टेम्परेचर बट नॉट एट अनदर टेम्परेचर. मोस्ट टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स आर हीट सेंसिटिव. सम हाउएवर आर कोल्ड सेंसिटिव. द टेम्परेचर सेंसिटिविटी यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम इंक्रीजिंग हीट और कोल्ड लायबिलिटी ऑफ द म्यूटेंट जीन प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, एन एंजाइम दैट इज एक्टिव एट लो टेम्परेचर बट पार्शियली और टोटली इनएक्टिव एट हाई टेम्परेचर. थोड़ी देर पहले बताए थे कि एंजाइम का एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है. अगर उस ऑप्टिमल टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में वह ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, प्रेजेंट है, तब वो एंजाइम तो अच्छे से बखूबी फंक्शन करेगा. लेकिन अगर हम उसको शॉक दे दिए, इधर कोल्ड शॉक और हीट शॉक, टेम्परेचर उसका एनवायरनमेंट हम चेंज कर दिए, तो दैट एंजाइम विल स्टॉप फंक्शनिंग. सपोज आप किसी ग्रोइंग बैक्टीरिया इकोलाइक जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो करता है इन पेट्रीडिश इन द इंक्यूबेटर, 37 इंक्यूबेटर के अंदर टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन किया जाता है, तो वह जो है अगर आप उसको सपोज कीजिए फ्रिज के अंदर डाल दीजिए, उस प्लेट को जिस पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, फ्रिज में तो एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर उसको होगा, शॉक विल बी अराइज टू दोज कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग एंड दैट बैक्टीरियल कॉलोनी विल स्टॉप ग्रोइंग एंड दे विल स्टार्ट डाइंग. So that will be the temperature sensitive mutant. So the temperature sensitivity usually results from increasing, as I already explained you, increasing heat and cold liability of the mutant gene product. For example, an enzyme that is active at a low temperature but partially or totally inactive at high temperatures. Okay. So occasionally only the synthesis of a gene product is sensitive to temperature. And once synthesized, the mutant gene product may be as stable as the wild-type gene product. Suppressor-sensitive mutants. Suppressor-sensitive mutants क्या होते हैं? Are viable
when a second genetic factor, that is a suppressor, is present but are non-viable in the absence of the suppressor. Okay, तो suppressor gene may correct or compensate for the defect in phenotype that is caused by the suppressor sensitive mutations, or it may render the gene product altered by the mutation. Okay, so the non-essential and the it is a non-essential thing. Special type of suppressor sensitive mutations are discussed. I will discuss later on. So most of the thousands of mutations that have been identified and studied by geneticists have been found to be deleterious and recessive. ठीक है, so this is the exception. So considering what we know about the genetic control of metabolism and the techniques available for identifying mutations, okay, so the metabolism, you can say, occurs by a sequence of chemical reactions, each step of which is catalyzed by a specific enzyme encoded by one or more genes. And mutation in these genes frequently produce blocks in the metabolic pathway. And these blocks occur because changes in the base pair sequence of the genes, often, but not always. Okay, so the cause in the amino acid sequence of the polypeptides, which may in turn result in the loss of function, that will be deleterious. If the essential enzymes functions are lost, then that will be deleterious for the cell. So this in fact has been seen in most commonly observed effect of easily detected mutations. Given a wild type allele encoding an active enzyme and mutant alleles encoding a less active or totally inactive enzymes, it is apparent why most of the observed mutations might be recessive, as is observed. Okay, so if the enzyme catalyzes an essential reaction, the mutations causing total loss of the activity will be the recessive or the lethals. Okay, so but why should most mutations with phenotypically recognizable effects resulting in decreased gene product activity or no gene product activity? Okay, so this result can be predicted if one accepts the effectiveness of natural selection and if one assumes the existence of a semi-constant environment during the recent or the on the evolutionary scale. Okay, the evolution of life forms on Earth. Okay, a wild type allele of a gene encoding a wild type enzyme or a structural protein will have been selected or of optimal activity for many generations, and mutations resulting in amino acid changes that increase the efficiencies of enzymes in carrying our particular functions will have been preserved by natural selection, that you already know, and as the most fit, and they will have become the new wild types. ठीक है, तो जो ज़्यादा फिट होता है वो ज़्यादा प्रोपेगेट हो जाता है. कहने का मतलब है, जो ज़्यादा फिट है वो ज़्यादा प्रोपेगेट हो गया, जो अनफिट है वो धीरे धीरे पॉपुलेशन से वाइप आउट होता है, क्योंकि उनके सर्वाइवल पर क्वेश्चन है. सो दोज म्यूटेशंस विच आर हैविंग द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द जीन प्रोडक्ट that individual or that group of individuals will survive, will be having a benefit in their survival, they will reproduce more, they will survive longer, so that individual will be found in major percentage in the population. So the इसी प्रकार जब वो ज़्यादा होंगे उस population में, तो वो जो gene है
जो जिसमें चेंज आने की वजह से वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया उस इंडिविजुअल के लिए, तो उस जीन की एलील का फ्रीक्वेंसी भी उस पॉपुलेशन में ज़्यादा होगा। तो जिस एलील की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसको हम वाइल्ड टाइप एलील बोलते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि जैसे गिवेन ए सफिशियंट पीरियड ऑफ टाइम, यू नो दैट सेमी कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट इन ए सेमी मोस्ट इफ नॉट ऑल सीक्वेंसेज ऑफ अमाइनो एसिड्स, मतलब कहने का एटलीस्ट ऑल सीक्वेंसेज ऑफ अमाइनो एसिड दैट डिफर फ्रॉम द वाइल्ड टाइप ऑफ ए सिंगल म्यूटेशन विल हैव बीन ट्राइड एंड नेचुरल सेलेक्शन विल हैव प्रिजर्व्ड द मोस्ट एफिशियंट वन। इट विल नाउ बी द वाइल्ड टाइप म्यूटेशंस विच प्रोड्यूस चेंजेस इन दीज वेरियस स्पेसिफिक सीक्वेंसेज ऑफ अमाइनो एसिड्स विल यूजुअली रिजल्ट इन लेस एक्टिविटी और नो एक्टिविटी एट ऑल। एज सच दे विल मोस्ट फ्रिक्वेंटली बी रिसेसिव एंड डिलीटीरियस। अभी हिंदी में मैंने समझाया आपको। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एन एनालॉजी कैन बी मेड विथ एनी कॉम्प्लेक्स केयरफुली इंजीनियर्ड मशीन। इफ यू रैंडमली मॉडिफाई एनी वन एसेंशियल कंपोनेंट, फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए वॉच और एन ऑटोमोबाइल, इट सेल्डम परफॉर्म्स एज वेल एज इट डिड नॉट प्रायर टू द रैंडम चेंज। तो आप मान लिया कोई बिना जाने बूझे कि कोई रैंडम चेंज कर दिए, तो वह जो है चेंज या तो उस मशीन को ख़राब कर देगा, क्योंकि आप तो उस इंजीनियर थे नहीं, मशीन को ख़राब कर देगा, या बाय चांस, बहुत कम चांस है इसका, लेकिन बाय चांस कि वो मशीन को और इम्प्रूव कर दे। तो म्यूटेशन भी इसी तरह होता है, म्यूटेशन इज रैंडम, तो बाय चांस है कि वो म्यूटेशन बेनिफिशियल हो। सो बहुत सारे म्यूटेशंस जो हैं बेनिफिशियल नहीं भी होते हैं इंडिविजुअल्स के लिए। तो आगे के सेक्शन में हम देखेंगे सोमैटिक एंड जर्मिनल म्यूटेशंस, ठीक है दोस्तों। आप थोड़ा सा आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा मैं ऑनलाइन होगा और आपसे पूछूंगा।